नमस्कार जी, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कैलाश मानसरोवर के बारे में, जो हिंदुओं के लिए क्यों है इतना पवित्र तीर्थ स्थान। दोस्तों, भोलेनाथ भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कैलाश मानसरोवर यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत दुनिया के चार मुख्य धर्मों, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धार्मिक केंद्र है। आइए जानते हैं मानसरोवर की यात्रा, रहस्य, इतिहास, पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से। धार्मिक मान्यता और इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है, जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वह इसी में शेष शैया पर विष्णु व लक्ष्मी विराजित हो पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है, जिसमें भारतीय सभ्यता की झलक प्रतिबिंबित होती है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है, जिसके फलों के चिकित्सकीय गुण सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वहां के एक संत कवि ने वर्षों गुफा में रहकर तपस्या की थी। तिब्बती बोनपाओ के अनुसार कैलाश में जो 9 मंजिला स्वास्तिक दिखते हैं, वह डेम चौक और दो रंजे फांगोमो का निवास है। इसे बौद्ध भगवान बुद्ध तथा मणि पद्मा का निवास मानते हैं। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप डैम चौक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संख्या भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर आकर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की माता ने यहाँ की यात्रा की थी। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ ऋषभ देव का यह निर्वाण स्थल अष्टपद है। कहते हैं ऋषभ देव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है, और यह
भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसीलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्ति पीठ है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन रुक कर ध्यान किया था, इसीलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था, इसके रशिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना अनुमानता 10 करोड़ वर्ष पूर्व घटी थी। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र, या आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निडर थल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। क्या है कैलाश पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक
बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है, 2,268 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है अतः कैलाश चीन में आता है। मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और भी अधिक बढ़ाता है। यहाँ चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ हैं। जैसे कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3,500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई तो लगभग 2,228 फुट है। इस कैलाश पर्वत की चार दिशाओं से चार नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है और उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर के पास ही यमदार है। यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू करना होती है। यमदार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है। सुनसान रास्ते के दोनों तरफ रीले और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच बर्फ की नदी अपने अस्तित्व का एहसास कराती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्राय 3 दिन में पूरा करते हैं और जिसके लिए अगर आप घोड़े से जाते हैं तो 25,000 रुपये लगते हैं। यह परिक्रमा कैलाश शिखर के चारों ओर के कमलाकार शिखरों के साथ होती है। कैलाश शिखर अस्पृश्य है। यात्रा मार्ग से लगभग 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई करके ही इसे स्पर्श किया जा सकता है। यह चढ़ाई पर्वतारोहण की विशिष्ट तैयारी के बिना संभव नहीं है। मानसरोवर झील का इतिहास। मानसरोवर झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके उत्तर में कैलाश पर्वत तथा पश्चिम में रक्षातल झील है। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस तथा सरोवर को मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। कहते हैं कि मानसरोवर वह झील है जहाँ माता पार्वती स्नान करती थी और मान्यता अनुसार वह आज भी करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। हालांकि पुराणों के अनुसार समुद्र तल से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित 300 फुट गहरे मीठे पानी की इस मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव के प्रसन्न होने पर हुई थी। पुराणों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी, कालांतर में उसी का नाम मानसरोवर हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार परमपिता परमेश्वर के आनंद अश्रुओं को भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया था तथा इस भूलोक पर त्रयस्टकम तिब्बत सुरक समान स्थल पर मानसरोवर की स्थापना की। शाक्त ग्रंथ के अनुसार देवी सती का दाया हाथ इसी स्थान पर गिरा था जिससे यह झील तैयार हुई। इसीलिए यहाँ एक पाषाण शिला को उसका रूप मानकर पूजा जाता है। इसीलिए इसे 51 शक्ति पीठों में से एक
माना गया है। मान्यता है कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्रलोक पहुंच सकता है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जिसे पुराणकार झील क्षीर सागर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाराज मानधता ने मानसरोवर झील की खोज की और कई वर्षों तक इसके किनारे तपस्या की थी जो कि इन पर्वतों की तलहटी में स्थित है। यहाँ दो सरोवर मुख्य है। पहला मान सरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा यहाँ पर लगभग 225 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 84 किलोमीटर परिधि तथा 150 फुट गहरी राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। यदि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आप राक्षस झील में कभी भी ना नहाएं और ना ही इसका पानी स्पर्श करें क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा से भरी पड़ी है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि राक्षस झील में हमें नहाना ही नहीं है और ना ही इसका पानी आपको घर लेकर आना है। आप लाना चाहें तो कैलाश मानसरोवर का जल का पानी ला सकते हैं और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। इन दो सरोवर के उत्तर में कैलाश पर्वत है, इसके दक्षिण में गुरुला पर्वतमाला और गुरुला शिखर है। मान सरोवर के कारण कुमाऊं की धरती पुराणों में उत्तराखंड के नाम से जानी जाती है। यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या करें? यह यात्रा उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और नेपाल के काठमांडू से प्रारंभ होती है। इसमें सिक्किम के नाथुरा दर्रा से जाना सबसे सुरक्षित है। यदि आप कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो आपको 75 किलोमीटर पैदल मार्ग पर चलने और पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका शरीर मजबूत और हर तरह के वातावरण और थकान को सहन करने वाला हो। यदि नाथुरा दर्रा से यात्रा करते हैं तो 10-15 किलोमीटर तक ही पैदल चलना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है जिससे सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि परेशानियां प्रारंभ हो सकती हैं। यहाँ का तापमान 0 से नीचे 2 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ होना जरूरी है। साथ ही मुंह से बजाने की एक सीटी व कपूर की थैली आगे पीछे होने पर सांस भरने पर उपयोग की जाती है। आवश्यक सामग्री, गर्म कपड़े आदि रखें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार घोड़े पिट्ठू किराए से ले लें। यह यात्रा भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों द्वारा आयोजित की जाती है। इधर इस पराकाष्ठा का संचालन भारतीय पराकाष्ठा तक कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है, जबकि तिब्बती क्षेत्र में चीन की पर्यटक एजेंसी इस यात्रा की व्यवस्था करती है। अंतरराष्ट्रीय नेपाल तिब्बत चीन से लगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला से कैलाश मानसरोवर की तरफ जाने वाले दुर्गम व 75 किलोमीटर पैदल मार्ग के अत्यधिक खतरनाक होने के कारण यह यात्रा बहुत कठिन होती है। लगभग एक माह चलने वाली इस पवित्र यात्रा में काफी दुर्गम मार्ग भी आते हैं। अक्टूबर से अप्रैल तक इस क्षेत्र के सरोवर व पर्वतमालाएं दोनों ही हिमांचित रहते हैं। सरोवर का पानी जमकर ठोस रूप धारण किए रहता है। जून से इस क्षेत्र के तापमान में थोड़ी वृद्धि शुरू होती है। नेपाल के रास्ते यहाँ तक पहुंचने में करीब
28 से 30 दिन का समय लगता है। अर्थात ये यात्रा यदि कोई व्यवधान नहीं हुआ तो घर से लेकर पुनः घर तक पहुंचने में कम से कम 45 दिनों की होती है। नाथुला दर्रा से जाने के लिए आप सीधे सिक्किम पहुंचकर भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच एक बड़ा आवाजाही का गलियारा था, जिसे 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार के प्रयासों से यह पुनः खोल दिया गया है। फिलहाल डोक लाम विवाद के बाद यह रास्ता पुनः बंद कर दिया गया है। भारत सरकार सड़क मार्ग द्वारा मानसरोवर यात्रा प्रबंधित करती है। आप वायु मार्ग द्वारा काठमांडू तक पहुंचकर वहां से सड़क मार्ग तथा द्वारा मानसरोवर झील तक जा सकते हैं। कैलाश तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ली जा सकती है। काठमांडू से नेपालगंज और नेपालगंज से सेमिकोट तक पहुंचकर वहां से हिलसा तक हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचा जा सकता है। मानसरोवर तक पहुंचने के लिए लूड क्रूजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। काठमांडू से ल्हासा के लिए चाइना एयर वायु सेवा उपलब्ध है, जहाँ से तिब्बत के विभिन्न कस्बों शी घाटे गया तस्से लहा तस्से प्रयाग पहुंचकर मानसरोवर यात्रा पर जा सकते हैं। कहीं से भी जाएं आपको कुछ किलोमीटर पैदल तो चलना ही होगा। तो दोस्तों ये है कैलाश मानसरोवर की यात्रा है। तो कैलाश मानसरोवर जब भी जाएं तो आप जो हैं वो अच्छा सा मौसम देख के जाएं, जैसे आपको जून का मौसम अच्छा दिख रहा है तो वहां पर आप जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा भगवान भोलेनाथ की प्रसिद्ध ध्वनि वहां पर सुनाई पड़ती है, ओम का जय जयकारा का नाम हमेशा गूंजता रहता है। और दोस्तों अगर आप जा रहे हैं तो राक्षस जो कुंड है वहां पे बिल्कुल भी ना नहाए, और जा रहे हैं तो कैलाश मानसरोवर में ही नहाए, और वहां का जल जरूर भर के लाएं, जिससे आप घर में आपके घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा हर समय प्रवाहित होती रहे, और आपके जितने घर के सदस्य हैं उनकी बल बुद्धि विवेक हर तरह से सुरक्षित रहे। तो अच्छा आपको मेरा ये अच्छा लगा होगा तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।